माइक थे बोल पर ये नहीं जी साहब, हम सब जानते हैं कि रात में शेर क्या आ गया थोड़ा थे अगर बोल पर। उत्तर प्रदेश के कुछ लेबर यहाँ रहते थे, काम करते थे, रेंट पर ले रहते थे, जैसे हम लोग देखे, आप लोग देख रहे हैं तिरपाल हटा के सी जी एसिड के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के दो मजदूर थे मारे गए, और उसमें से जो थ्रो किया ग्रेनेड किया हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए, और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लड़के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है, और हम लोग कोरोना सर्च जो हाई रोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सर कितने अरेस्ट हुए हैं अभी तक? अभी तो दो अरेस्ट हुआ है। आइए सर, पिछले तीन दिनों में ये शोपियां में दूसरी बड़ी घटना है, तो क्या एक बार फिर से साउथ में मिलिटेंट्स अपने पैर पसारेंगे? देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि जो आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर, तो इस टाइप का जो घिनौना जो कराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे, इसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूव करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे, आप लोग की एविडेंस शेयर करेंगे, और जो हार्ड कोर टेररिस्ट उसको न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं और जल्दी उसको भी कर देंगे। सर जिसको आपने पकड़ा है उनसे लीड मिली है कि कौन से दोनों घटनाएं जो हुई है क्या उनमें जोड़ है, क्या एक ही संगठन ने किया है? पहला भी जो घटना है लश्कर तैयबा ने किया, हालांकि अलबदर ने क्लेम किया झूठा है, एलईटी ने किया है, और हम लोग जो किया है उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे। सर जो प्रवासी मजदूर हैं इनकी कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रयास किया जाएगा सर?